लोकसभा चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ है और इन चुनाव में बीजेपी 300 पार सीटें जीतने में कामयाब हो चुकी है, जबकि एनडीए 350 के करीब पहुंच गई है और इसी के चलते आज से नई सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम अपनी कैबिनेट के साथ बैठक करेंगे और इसके बाद नई रणनीति पर काम होगा। इस बैठक में सबसे पहले पुरानी सरकार के खत्म होने की प्रक्रिया और लोकसभा भंग होने की प्रक्रिया शुरू होगी और इसके बाद सभी कैबिनेट मंत्री अपना इस्तीफा सौंपेंगे और साथ ही अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा देंगे और इस प्रक्रिया के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नरेंद्र मोदी को दोबारा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। गौरतलब है कि पिछली बार 26 मई को नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी और ऐसे में देखना होगा कि क्या इस बार भी वे 26 तारीख को ही ये शपथ लेंगे। आपको बता दें कि नई सरकार बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक लेने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों में स्पष्ट बहुमत मिला है और नई सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कैबिनेट की आज ये अहम बैठक आयोजित होगी। आपको बता दें कि पिछले बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 26 तारीख को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और शायद इस बार भी देखने वाली बात है कि 26 तारीख को ही क्या पीएम मोदी शपथ लेंगे। आपको बता रहे बीजेपी को पूर्ण बहुमत यहां हासिल हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत से नई सरकार बन चुकी है और अब नई सरकार बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए A1 संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर जुड़ रही है हमारे साथ। जी प्रीत, बताएं कि बीजेपी को ये प्रचंड जीत मिली है, अब क्या कुछ आगे कार्यक्रम रहने वाला है? जी बिल्कुल लवीना, एक स्पष्ट बहुमत मिला है बीजेपी को, 303 सीटें बीजेपी जीत कर आई है और वहीं कांग्रेस बहुत पीछे छूट गई है। ऐसे में आज जो है सरकार बनाने की प्रक्रिया पर काम शुरू हो जाएगा। कैबिनेट की बैठक बुलाई है प्रधानमंत्री ने और इसमें आज जो पुरानी सरकार है उसको खत्म किया जाएगा एक तरीके से, और उसके बाद इस्तीफा देंगे सभी तमाम केंद्रीय मंत्री हैं वो इस कैबिनेट की बैठक में, जिस इस्तीफे को प्रधानमंत्री मोदी जो है वो राष्ट्रपति के पास लेकर पहुंचेंगे और इस्तीफे को सौंपेंगे और जिसके बाद एक नई सरकार बनाने की जो कवायद है शुरू हो जाएगी। भाजपा मुख्यालय में आज बीजेपी ने संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है, उसमें तमाम जो नए चुने हुए सांसद हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश से राज्यवर्धन सिंह राठौर और गजेंद्र सिंह शेखावत तमाम जो सांसद हैं जो चुन के आए हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे, अपने विधायक दल के नेता को चुनेंगे और नई सरकार बनाने की जो कवायद है वो शुरू हो जाएगी। इसके बाद जो है प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट की इस्तीफे की मंजूरी के बाद एक बार तो दोबारा से सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति बुलाएंगे बीजेपी के एक सबसे बड़ा। प्रीति, ये बताएं कि पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो शपथ ली थी वो 26 तारीख को ली थी, तो क्या इस बार भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 26 तारीख को ही शपथ लेंगे पीएम मोदी? जी बिल्कुल, कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि 26 मई को जिस तरीके से पिछली बार मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, ऐसे में हालांकि अभी डेट्स फाइनल नहीं हुई है कि किस तारीख को प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेते हैं, उनकी कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो शपथ लेंगे, ये उम्मीद जरूर लगाई जा रही है कि 26 तारीख वो हो सकती है, लेकिन ये भी हो सकता है कि 30 तारीख को जो है ये शपथ ग्रहण समारोह हो। ऐसे में अभी डेट जो है वो फाइनल नहीं की गई है बीजेपी की ओर से। जी प्रीत, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से बता दें, बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है और एक बार फिर से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन चुके हैं और नई सरकार बनाने की प्रक्रिया अब शुरू हो जाएगी।